इस तरह से केरल का बहुत ही फेमस मिठाई पाल केक बनाने बताऊंगी आज मैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही फ्लफी बनकर, देखिए इस तरह से कट काटने पे फट से कट जाता है। देखिए कितना अच्छा से एकदम रस भरी बनकर तैयार हुआ है, बहुत कम समय में और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आज कि कैसे ये बनाए जाते हैं बहुत ही आसानी से। और यकीन मानिए एक बार आप बना लेंगे तो आप हमेशा ये मिठाई बनाकर। नमस्कार, मैं अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पर। तो आज मैं केरल का बहुत ही फेमस मिठाई पाल केक बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है बहुत कम इंग्रेडिएंट से और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। उसके लिए मैंने गैस पे एक पैन ले लिया इस तरह से बड़ा मुँह वाला, और अब मैं इसमें डालूँगी इस कप से एक कप चीनी, और इसी कप से मैंने एक कप लिया है पानी, इसे डाल देती हूँ। इसका एक घुलने तक चाशनी को बना लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, बस इतना कि घुल जाए। तो आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जब तक मेरा चाशनी बन तैयार हो रहा है तब तक मैं आपको इधर दिखा देती हूँ। मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं 1/4 कप दही ले लूँगी, मेरी थोड़ी पतली है, आप गाढ़ी वाली भी ले सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी घी, तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच पिघले हुआ घी लिया है इस चम्मच से। और अब मैं इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा, उससे पहले मैं डालूँगी इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में डालूँगी मैं 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा इस चम्मच से। मैंने सारे मेजरमेंट चम्मच और कप से किए, तो उसी तरह से बनाए ऐसे अच्छे से फेंट लूँगी दही के साथ। बेकिंग सोडा मैंने डाला है तो फॉर्मेट होगा ये। केरल में इसे एग के साथ बनाया जाता है, दही की जगह आप एग ले सकते हैं। तो मैंने एग का इस्तेमाल नहीं किया, दही का इस्तेमाल किया है। इस तरह से अच्छे से फेंट लेती हूँ, देखिए कितने अच्छे से फॉर्मेट हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप मैदा, तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। आप चाहे तो 1/2 कप आटा 1/2 कप मैदा, दोनों आधा आधा मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं 1 पिंच लगभग डालूँगी इसमें नमक, इससे फ्लेवर और बढ़कर आता है। ऐसे अच्छे से मैं गूँथ लेती हूँ, गूँथ के दिखाते, बहुत इसे मसल कर नहीं गूँथना है, हल्के हाथों से बिल्कुल। और अगर आपको लगे कि ये गाढ़ी है, कड़ी हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा दूध के छींटे मार सकते हैं आप। इसे गूँथ को मैं दिखाती हूँ, तो देखिए हल्के हाथों से इसे मिला लिया, इसमें दूध का छींटा नहीं मारना पड़ रहा, बस उसी दही के साथ सामग्री था सब साथ ये इस तरह से गूँथ लिया है मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से। अब इसे 10 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ सेट होने के लिए, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी। इधर देखिए मैं चाशनी भी घुल चुका है चीनी, देखिए। अब मैं इसमें डालूँगी इलायची पाउडर, तो देखिए इलायची को क्रश करके मैंने डाल दिया है, सॉरी दिखाना मैं भूल गई। अभी चाशनी मेरा तैयार है, बस इतना ही। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। तो देखिए चाशनी मेरा तैयार हो गया, इसे मैंने हटा लिया और दूसरा साइड गैस पे मैंने ऑयल चढ़ा दिया है पैन में। और ये देखिए आटा भी मेरा 10 मिनट हो गया है, इसे फिर से थोड़ा सा मसल लेती हूँ। इस तरह से ढक के मैंने छोड़ दिया था, हल्के हाथों से मसल के इसे बेल लेती हूँ रोटी की तरह। देखिए इसे मैंने मसल लिया है, इसे बेल लेती हूँ, मोटा बेलना है, रोटी की तरह बेल लूँगी हल्के हाथों से इस तरह से। तो देखिए इस तरह से बेल लिया है मैंने, और इसके किनारे मैं हटा देती हूँ चाकू से काट के इस तरह से, देख रहे हैं। इसे फिर से मैं बाद में बेल कर कट करूँगी, इसे जैसा आपको पसंद हो वैसा शेप दे सकते हैं, बस मोटा इतना ही रखना है, देखिए जितना मैंने रखा है। अब इसे आप अपने मनचाहा आकार दे लीजिए इस तरह से। तो इस तरह से चाकू की सहायता से मैं कट कर लूँगी इसे, देख रहे हैं, इस तरह से कट करके ये साइड वाला भी हटा लेती हूँ, इसे फिर से बेल के मैं कर लूँगी। और इस तरह से तो साइज आप अपने हिसाब से, थोड़ा छोटा बड़ा एक बराबर नहीं होता तो भी घबराने की बात नहीं है, खुद ही खाना है, कोई सा भी किस तरह का शेप दे सकते थे। इस तरह से मैंने कट कर लिया है, देख रहे हैं। अब मैं ये जो तेल है इसमें डाल देती हूँ, तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का,
और गैस को लो टू मीडियम फ्लेम रखना है। एक एक करके इस तरह से मैं डाल देती हूँ इसमें, और एक साइड जब लाल हो जाएगा तो पलट के दूसरे साइड से भी लाल कर लूँगी। फिर आपको दिखाती हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है पाल केक, और बहुत ही फेमस है केरल का ये मिठाई। आप भी बनाएंगे तो बार बार इस तरह से बनाकर खाना पसंद करें, बिल्कुल नहीं पता चलेगा किस तरह से आपने बनाया, किस चीज़ का इतना स्वादिष्ट लगता है। तो है ना, बहुत आसान बनाना पाल केक घर पर बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, घर के सामानों से फटाफट से आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो बना सकते हैं आसान तरीके से बहुत ही जल्दी। तो अगर मेरी पूरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए सभी को मैं डाल देती हूँ, जो बच्चे जो साइड से कट किए थे उसे भी मैं बेल कर तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसे मैंने पलट लिया, एक साइड से कितने अच्छे से लाल हो गया, दूसरे साइड से भी लाल हो जाएगा तो मैं निकाल लूँगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में और बहुत कम समय में तैयार हो जाता है कम इंग्रेडिएंट के साथ। और एक बार आप बना कर खा लेंगे इस तरह से तो बाकी सारी मिठाइयाँ बनाना भूल जाएगा। इस तरह से बनाकर आप हमेशा खाएँ, मेरे घर में तो ये हफ्ते में एक बार ज़रूर बनता है, इतना ही अच्छा लगता है। तो देखिए ये दूसरे साइड से भी हो जाता है तो मैं निकाल लेती हूँ, निकाल कर मैं चाशनी में डालूँगी इसे। तो देखिए इसे मैंने निकाल लिया पाल केक को, कितने अच्छे से तैयार हो गया, चारों तरफ से लाल हो गया चुका है। तो गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और चलिए दूसरे साइड जो मैंने चाशनी तैयार करके रखा था इसमें धीरे धीरे इसे डाल देती हूँ। इसे डालूँगी तो इतना सॉफ्ट है कि टूट जाएगा, इसलिए हल्के हाथों से इसे चारों तरफ फैला देती हूँ और इसे एक घंटे के लिए छोड़ दूँगी इस चाशनी में ताकि अच्छे से मिल जाए। इसे पलटते हुए मैं इसमें छोड़ देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से चाशनी में ये तैयार हो गया है, अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसे। इसे मैंने चौले बर्तन में, चौले मुँह वाले में ये चाशनी बनाया है। देखिए इसका कारण ये है कि अगर चौले वाले में नहीं बनाती तो ठीक से इसको पलटने में नहीं बनता, मैंने दोनों साइड से पलट पलट दिया है ताकि अच्छे से चाशनी इसे मिल जाए। और इस तरह से ऊपर से भी डाल दूँगी, हालाँकि पूरी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है चाशनी। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। देखिए चम्मच से कितने आसानी से टूट जा रहा है, देखिए बीच से मैंने तोड़ कर दिखाया और बहुत ही फ्लफी बना है इस तरह से, देखिए और बहुत ही स्वादिष्ट। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह से पाल केक, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन को इन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।